मुख्यमंत्री मनोहर लाल व केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फरीदाबाद के ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया। प्रदेश में रोहतक, गुरुग्राम और पंचकुला में भी प्लाज्मा बैंक प्रारंभ किए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार द्वारा प्लाज्मा दान के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी प्रारंभ किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के अनुभवों से सीखते हुए प्रदेश में नई व्यवस्थाओं का प्रबंधन किया गया है। प्रदेश में अब तक लगभग 350 लोग प्लाज्मा दान कर चुके हैं। प्लाज्मा एक साल तक स्टोर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रतिदिन 20,000 टेस्टिंग की जा रही है। अब तक प्रदेश में लगभग 7,00,000 टेस्टिंग की जा चुकी है। फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर यशपाल यादव ने बताया कि बैंक स्थापित होने से प्लाज्मा डोनर ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा, इससे समय रहते मरीज को बचाया जा सकेगा। कॉलेज के डीन डॉक्टर असीम दास ने बताया कि इससे पहले ट्रायल बेस पर प्लाज्मा बैंक चलाया जा रहा था, लेकिन अब यहां स्थायी रूप से प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हो गई है। प्लाज्मा बैंक ये बनाया गया है और ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त अगर हम किसी डोनर को ढूंढने जाते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है, उसके बाद उसका टेस्ट कंडक्ट करवाने पड़ते हैं तो उसमें काफ़ी वक्त लगता है। इसलिए ये सोचा गया कि डोनर्स को पहले आइडेंटिफाई करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे प्लाज्मा लें और उसको स्टोर करके रखें ताकि जब भी किसी को ज़रूरत पड़े तो तुरंत उसको मुहैया करा दिया जाए। इसलिए ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डायरेक्शन थी कि प्लाज्मा थेरेपी एक्सपेरिमेंट बेसिस पे किया जाए, उसी के तहत इस कार्य को किया जा रहा है। हरियाणा के पूरे क्षेत्र में फरीदाबाद ही सरकारी क्षेत्र में एक अस्पताल है जिसको ये मान्यता दी गई एवं उसी के तहत चलते हमने पहला प्रदान किया है।